माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्देशन में और बाकी केंद्र सरकार के निर्देशन में इतनी बड़ी व्यवस्था यहाँ पे होने जा रही है जो अनप्रेसिडेंटेड है, अनपैरेलल है, जो आज तक पास्ट में कभी नहीं हुई। वाराणसी में कोरोना संक्रमण के चलते पैदा हुए गंभीर हालात को देखते हुए पीएम केयर फंड से बीएचयू के एमपी थिएटर ग्राउंड में 1000 बेड का अस्थायी कोविड हॉस्पिटल बनाया जा रहा है। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी डीआरडीओ की मदद से बन रहे इस कोविड हॉस्पिटल के अगले 7 से 8 दिन के अंदर बनकर तैयार हो जाने की पूरी उम्मीद है। फिलहाल यहां 24 घंटे बिना रुके काम हो रहा है। 1000 बेड का ये अस्थायी कोविड हॉस्पिटल लेवल 3 का होगा, यानी यहां पर कोरोना के गंभीर मरीजों का उपचार किया जाएगा। इस अस्पताल के बन जाने के बाद वाराणसी में कोरोना संक्रमण से जारी युद्ध में बड़ी मदद मिलने की उम्मीद है। जिला अधिकारी कौशलराज शर्मा के अनुसार इस अस्पताल में 250-250 बेड के 4 यूनिट बनाए जा रहे हैं। इसमें से 3 यूनिट में नॉर्मल ऑक्सीजन युक्त तकरीबन 750 बेड होंगे, जबकि चौथे यूनिट में आईसीयू की व्यवस्था होगी। 250 की 4 यूनिट बनाएंगे, वो टोटल 1000 बेड होंगे, 250-250 के 4 चैम्बर होंगे उसमें। और एक चैम्बर में आईसीयू चलेगा और 3 चैम्बर में बिना आईसीयू के नॉर्मल ऑक्सीजन बेड चलेंगे, और ये ऑक्सीजन के प्लांट सहित आएगा। तो ये सारी सप्लाई, सब चीजें स्ट्रीमलाइंड है, इनके जो प्लम्बर, मैकेनिक, हर चीज इसकी सारी की सारी डीआरडीओ की तरफ से व्यवस्था हो रही है। इस हॉस्पिटल में बनने वाले शौचालय और वॉशरूम के लिए नगर निगम सीवरेज सिस्टम का कार्य कर रहा है। वहीं निर्बाध बिजली आपूर्ति की जिम्मेदारी पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के जिम्मे है। हॉस्पिटल के लिए बीएचयू ने पहले ही एनओसी जारी कर दिया है। लॉन्ड्री का कार्य बीएचयू के जिम्मे है। हॉस्पिटल में चिकित्सक स्टाफ की जिम्मेदारी बीएचयू और वाराणसी स्वास्थ्य विभाग की ओर से संभाली जाएगी। इसके अलावा डेथ सर्टिफिकेट बनाने का काम वाराणसी सीएमओ कार्यालय का है। वहीं इस 1000 बेड के हॉस्पिटल में एम्बुलेंस के लिए ग्रीन कॉरिडोर भी बनाने का काम शुरू हो गया है। साथ ही एडमिनिस्ट्रेशन सेक्शन, पेशेंट वार्ड, डॉक्टर्स के रहने की सुविधा, ड्यूटी रूम, पार्किंग, बड़े पैमाने पर शौचालय, भोजनालय के साथ ही साथ ऑक्सीजन सप्लाई तथा फायर सर्विस की भी व्यवस्था रहेगी। इस अस्पताल को जर्मन हैंगर तकनीक से तैयार किया जा रहा है। डीआरडीओ के अलावा इस हॉस्पिटल के निर्माण में वाराणसी नगर निगम, वाराणसी स्वास्थ्य विभाग, वाराणसी ट्रैफिक विभाग, वाराणसी पुलिस, बिजली विभाग, लोक निर्माण विभाग के साथ ही बीएचयू की टीमें लगी हैं। इसके अलावा फायर ब्रिगेड की भी यहां पर हर समय तैनाती रहेगी। जिलाधिकारी कौशलराज शर्मा के अनुसार आज तक ऐसी व्यवस्था कहीं पर भी नहीं हुई है। इस 1000 बेड के अस्थायी कोरोना हॉस्पिटल में गंभीर रेफर मरीज ही भर्ती किए जाएंगे। इस हॉस्पिटल के बन जाने के बाद सीरियस कोरोना मरीजों को तत्काल अनुभवी डॉक्टरों से इलाज मिलना शुरू हो जाएगा। साथ ही वाराणसी के विभिन्न अस्पतालों पर पड़ने वाले बोझ को भी कम किया जा सकेगा। जो लोकल सपोर्ट चाहिए तो उसमें नगर निगम है, जल निगम है, बिजली विभाग है, बीएचयू है, पीडब्ल्यूडी है, कुछ सिविल कंस्ट्रक्शन भी होगा, कुछ सीसी रोड की, कुछ कंक्रीट की डीजी सेट रखने के लिए बनेंगे, कुछ इंटरलॉकिंग भी लगेगी, तो हमारे विभाग करके देंगे। सबके लेटर जारी हैं, फंड सबको डिजास्टर मैनेजमेंट से दिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, लाइव वीएनएस।